सुपर मॉम के जाने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक सब दुखी हैं। जी हां, आपको बता दूं कौन सुपर मॉम, जिसे मध्य प्रदेश की शान कहा जाता था, रानी भी कहा जाता था। रानी के जाने से शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री तक सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेंच टाइगर रिजर्व की मशहूर कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर बाघिन की बात, जिन्हें सुपर मॉम कहा जाता था। 29 शावकों को जन्म दिया था इस बाघिन ने। T15 नाम था बाघिन का, जो रखा जाता है पेंच टाइगर रिजर्व में, किसी टाइगर रिजर्व में। बाघिन की 3-4 दिन से तबीयत खराब थी। पेंच टाइगर रिजर्व में आखिरी सांस ली बाघिन ने, जहां अंतिम संस्कार भी किया गया। दुख ऐसा कि मुख्यमंत्री भी दुखी हुए और ट्वीट किया। देखिए शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं बाघिन के बारे में और बताते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, 29 शावकों को जन्म देने वाली सुपर मॉम की खबर है ये, और उनके शावकों को जो दहाड़ है उससे मध्य प्रदेश के जंगल गुंजायमान रहेंगे। तो ये ट्वीट में दुख व्यक्त करते हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया, और नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट आपको दिखाता हूं। नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट में वो लिखते हैं सुपर मॉम को आखिरी सलाम, और वो भी इस बात को लिखते हैं इस ट्वीट में कि जब भी मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे की बात होगी, चर्चा होगी, तो सुपर मॉम के योगदान के बगैर वो चर्चा नहीं हो सकती है। तो गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सबने दुख जताया बाघिन के इस दुखद मौत पर। तो आपको ये भी बता दूं कि कौन थी कॉलर वाली बाघिन, क्यों नाम पड़ा T15 बाघिन जो पेंच टाइगर रिजर्व की थी। मैं आपको बता दूं कि 2005 में इसी टाइगर रिजर्व में जन्म हुआ था बाघिन का। बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया था, और कहा जाता है कि बाघिन के वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। और 2008 से लेकर 2021 तक इन 29 शावकों को जन्म दिया। मशहूर थी बाघिन, और बाघिन की कई तस्वीरें ऐसी जो देश भर में चर्चा का भी विषय बनी। कॉलर वाली बाघिन इसलिए कहा जाता था कि बाघिन के गले में रेडियो कॉलर बांधा गया था, ताकि उसकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसलिए तब से कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर हो गई थी ये बाघिन। लेकिन बाघिन के यूं जाने से गमगीन हुए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर पेंच विभाग, जो पेंच टाइगर रिजर्व के आला अफसर से लेकर तमाम वो लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं। सिवनी से आप तक एक बार पहुंचाई है हमारे संवाददाता पुनीत कपूर ने, आप देखते रहे एमपी तक।